बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम जो है वो हमारे गुजरात यूनिवर्सिटी नवंबर की एग्ज़ाम 2017 में आया था। तो ये जो है वो सबसे पहले ये सम में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें पूरा सम करना है। थोड़ा लंबा सम है, ध्यान से करना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं अब सम पढ़ना। सबसे पहले सम में क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखा हुआ है, तो यहाँ पे ABC ट्रेडर ऑफ अहमदाबाद हैज अ ब्रांच एट नड़ियाद। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि नड़ियाद में हमारी एक ब्रांच है, जहाँ पे बोला हुआ है हेड ऑफिस सेंड गुड्स टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस बाय एडिंग 25% कॉस्ट ऑन 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो इसका कहने का मतलब क्या होगा, तो आप बोलोगे सर कॉस्ट सपोज हमारी 100 है प्लस प्रॉफिट ऐड करोगे तो आप बोलोगे सर 25, तो 125 मेरा सेल्स हो जाएगा, या आप बोलोगे सर इनवॉइस प्राइस हो जाएगी। पहला पॉइंट ये ध्यान में आना चाहिए। यहाँ पे समझना क्या है हमें कि यहाँ पे ये समझना है मेन पॉइंट कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट ऑलवेज ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, तो कॉस्ट हमारी 100 होगी, प्रॉफिट हमारा 25, कॉस्ट में ऑलवेज प्रॉफिट ऐड होता है और सेल्स हमें मिल जाएगा। इसके बाद बच्चा दूसरा पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है, आगे क्या दिया हुआ है, द ब्रांच डस कैश एज वेल एज क्रेडिट सेल्स। तो दो टाइप के सेल्स होंगे, एक कैश सेल्स होगा और एक दूसरा है क्रेडिट सेल्स होगा। आगे बोला हुआ है ऑल द एक्सपेंस ऑफ अ ब्रांच आर पेड बाय द हेड ऑफिस, द ब्रांच ऑफ द हेड ऑफिस सेंड PT कैश टू द ब्रांच फॉर द मिसलिनियस एक्सपेंसिस, द कैश कलेक्टेड बाय द ब्रांच इज क्रेडिटेड बाय बैंक अकाउंट एंड हेड ऑफिस डेली बेसिस। मतलब जो भी कैश मुझे हर रोज मिलेगी हम बैंक में क्या कर देंगे, तो ब्रांच ऑलवेज HO अकाउंट में डिपॉजिट करवा देंगे, ऐसा इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे के रखा हुआ है। आगे चलते हैं बच्चा, तो आगे जो इन्फॉर्मेशन में समझना है वो क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st December 2016। अब बच्चा यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे पहले हमने पहले पेज पे ब्रांच अकाउंट बना दिया, दूसरे पॉइंट पे हमने बना दिया ट्रेडिंग अकाउंट PNL अकाउंट, और तीसरे पॉइंट में जो नहीं बोला वो हमने बनाया है वो है PT कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये थोड़ा फॉर्मेट लिख के रखा हुआ है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है, इतना तो हमें बोला सिर्फ तीन है लेकिन हम बना रहे बाकी डेटर्स का भी अकाउंट बना रहे और PT कैश का भी अकाउंट बना रहे और बिल्स रिसीवेबल का भी एक्स्ट्रा अकाउंट बना रहे। उन्होंने सम में बोला नहीं है, सम में तीन चीज़ ही बोला हुआ है जो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ पे बच्चा डेट का थोड़ा फोकस करना है, 1/1/2016 दी हुई है और दूसरी जो डेट दी हुई है वो 31st 12 2016, जिसको हम ओपनिंग बैलेंस बोलेंगे, और दूसरा आप बोलोगे सर ये हमें बोला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। क्या बोला जाएगा, तो ये हमें बोला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो जितना ये पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, जो प्राइस हमें जो इन्फॉर्मेशन दे के रखी हुई वो है, ये ब्रांच एक्सपेंस के बारे में, और उसके बाद अलग अलग इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, हमें वो खाली लास्ट में दिया हुआ है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर और 10%। बस बच्चा इतना हमें दिया हुआ है। अब सम को स्टार्ट कैसे करना है, तो बेसिक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए जो मैंने पहले बोला था कि यहाँ ब्रांच अकाउंट में क्या क्या चीज़ रफली आएगी, तो आपको वो पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस सारे लिखना है, आप बोल सकते हो बैलेंस BD भी लिखो तो भी चलेगा, और लास्ट में यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, दो चीज़ हमें इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे आपको पॉइंट समझना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे समझना है यही पॉइंट। इसके बाद बच्चा हमें ये समझना है ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आएगा, तो फिक्स है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स गुड्स सेंड बाय HO और रिटर्न। यहाँ पे दो रिटर्न लिखे गए हैं, कल भी हमने डिस्कस किया था जो सम में वो भी ऐसा ही था, जहाँ रिटर्न बोला जाएगा तो ये गुड्स, ये जो रिटर्न है ना वो ब्रांच रिटर्न करेगी HO को, ब्रांच रिटर्न करेगी HO को, जबकि ये डेटर्स रिटर्न करेंगे। डेटर्स सेल्स रिटर्न वर्ड यूज़ होता है, वो वाला पॉइंट ध्यान में रखना है। इतना पॉइंट ख़त्म होते ही बच्चा अब हम आगे जाते हैं। ये जो अकाउंट है PT कैश का आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बैलेंस BD CD एक्सपेंस एंड गुड्स सेंड बाय द HO।
ये जो अकाउंट होगा इन्फॉर्मेशन वो ब्रांच अकाउंट के रिलेटेड है, तो ब्रांच अकाउंट में ये इन्फॉर्मेशन आएगी, और ये जो डेटा होगा मतलब ये एक्सपेंस है वो पीएनएल अकाउंट में आएगा। सेम वे बच्चा ये डेटर्स में भी हमें यही समझना है, डेटर्स में हमें बैलेंस बीडी सीडी क्रेडिट सेल्स सेल रिटर्न, और इसमें से सब कुछ आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये सम थोड़ा बड़ा है तो इसमें थोड़ी चीज़ें कम भी आ सकती है। और लास्ट में बच्चा यहाँ पे जो ध्यान में रखना है बैलेंस बीडी सीडी कैश एंड डेटर्स, वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये सारी वर्किंग नोट है और इससे आपको यहाँ से मिलेगा कैश, कई बार क्रेडिट सेल्स मिलता है, कई बार कैश की फिगर मिलती है, कई बार ओपनिंग बैलेंस मिलता है, कई बार कैरिड डाउन की फिगर मिलती है। ये आपको आ गया तो मैं बोलता हूँ कि आपको यहाँ इजीली सम सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद बच्चा हमें ये डेट सेम वे बिल्स रिसीवेबल ये सब में है, तो ये पॉइंट थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बच्चा सम को आगे बढ़ाते हैं, सबसे पहले हमें जो गिवन डेटा है उसको प्रॉपर पहले समझते जाते हैं और उसको अरेंज करते जाते हैं। अब मुझे ना चार चीज़ मैं पहले से ही करवा देता हूँ, जो हर बार मैं पहले करवा देता हूँ, वो आ गया ना तो आधी बहुत सारी चीज़ हो जाएगी। सबसे पहला मेरा फिक्स होता है कि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, बाद में आप बोलोगे गुड्स सेंड टू एचओ, ये वाला पॉइंट, उसके बाद आप बोलोगे सर गुड्स रिटर्न, एंड आप बोलोगे क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखोगे बच्चा? क्लोजिंग स्टॉक। अब बच्चा ये लिखने का रीज़न क्या है ये समझो पहले। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये हमारे पास दो स्टॉक तो है, पहला स्टॉक आप देखोगे शांति से तो पहला स्टॉक हमें दिया हुआ है, ये ओपनिंग स्टॉक बोला जाएगा और ये क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान से देखो, जो मैं आज आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में ऑलवेज हमें लिखना पड़ता है ऑलवेज कॉस्ट प्राइस, और जब ब्रांच अकाउंट में हम लिखते हैं तो ऑपोजिट साइड आपको पता हो तो हम डिफरेंस अकाउंट लिखते हैं, तो यही पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक में आप भी बच्चा मेरे साथ लिख सकते हो, तो पहले आप लिखते जाओ यहाँ पे 440,000, और ये वर्किंग नोट में आएगा जो आपको ध्यान में रखना है। ये कैलकुलेशन करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, आपके कैलकुलेशन बहुत स्पीड से हो जाएंगे। तो यहाँ पे इनवॉइस प्राइस बोला हुआ है, तो देखो बच्चा एक ध्यान से समझना, इनवॉइस प्राइस मतलब मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए। क्या चाहिए बच्चा? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस चाहिए तो हम क्या करेंगे, इनटू 100 डिवाइड बाय 125, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चा? तो मुझे कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी बच्चा? तो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी तो कितना होगा बच्चा? 3,52,000। और आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों का डिफरेंस लेते हैं ना हम, ये दोनों का, तो वो क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर लोडिंग आ जाएगा जो हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी, अभी नहीं करोगे तो चलेगा। यहाँ पे हमें इतना ही समझना है, ये हमारा इनवॉइस प्राइस है और ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। ये समझ में आया मेन पॉइंट? सेम वे बच्चा देखो फिर से एक बार आप ध्यान से देखना, यहाँ पे 2,20,000 क्या दिया हुआ है? इनवॉइस प्राइस। तो यहाँ पे इनवॉइस प्राइस आप बाजू में देखोगे तो आपको लिखा होगा यहाँ पे 2,20,000। आप बोलोगे सर कहाँ लिख रहे हो? तो ये ध्यान में रखना है, ये मेरा क्या है? तो क्लोजिंग स्टॉक है। ये क्या है हमारा? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो यहां पे मैं लिखूंगा सबसे पहले 2,20,000 इनटू 100 डिवाइड बाय 125, तो इसके साथ बच्चा हमारा कितना आ जाएगा आंसर? 1,76,000। तो बच्चा ये भी हमारा पॉइंट हो गया, पहले ये समझ में आ रहा है यहां तक? सेम वे अब आपको ढूंढ के दो चीज लिखनी है। कौन सी दो चीज? तो देखो यहां पे बोला हुआ है गुड्स, यहाँ पे बोला हुआ है गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रैकेट में बहुत बड़े लाइन से लिखा हुआ है इनवॉइस प्राइस। क्या लिखा हुआ है बच्चा? इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस लिखा हुआ है तो हम फिर से वही गुड्स सेंड टू एचओ, तो 8,80,000 इन 200 डिवाइड बाय 125, तो बच्चा कितना हो जाएगा? 7,04,000। तो यहाँ पे बच्चा हम लिखेंगे 7,04,000। तो ये पॉइंट भी हमारा हो गया। यहाँ होने के बाद बच्चा अब गुड्स रिटर्न ढूंढ ही लेना है हमें, तो देखो वो दिया होता है यहाँ पे दिया हुआ है गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इनवॉइस प्राइस, और वैल्यू शांति से देखना ऊपर नीचे ना हो जाए। तो यहाँ से आप बच्चा बोलोगे सर ये 44,000 है। कितना है बच्चा? 44। तो यहाँ पे आप फिर से बोलोगे सर 44,000 इन 200 डिवाइड बाय 125, तो बच्चा कितना हो जाएगा? 35,200। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, शांति से पहले ये पॉइंट क्लियर कर दो तो ही हम आगे चलेंगे। चलो बच्चा, तो इतना होने के बाद बच्चा अब हमें क्या करना है? तो ये होने के बाद अब हमें इसकी इफ़ेक्ट डालते जाना है। सबसे पहले बच्चा यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे
ओपनिंग स्टॉक। अब बच्चा ये ध्यान में रखना, यहाँ प्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान से करना है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आप बोलोगे सर 440,000 था, कितना था बच्चा 440,000। यहाँ ऑलवेज इनवॉइस प्राइस पे ही लिखना होता है। कौन सी प्राइस पे बच्चा? इनवॉइस प्राइस पे, जो मतलब दी हुई है वही प्राइस पे। और बच्चा आप बोलोगे सर इसकी ऑपोजिट साइड पे हम क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय ओपनिंग स्टॉक, और आप बोलोगे सर डिफरेंस लिख दो, या आप लिख लो जो इनवॉइस प्राइस का डिफरेंस, ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे बच्चा ध्यान में रखना 440,000 माइनस 382,000 जो हमारा डिफरेंस है वो पहले स्टेप में आ जाएगा। यहाँ समझ में आए तो ही आगे बढ़ना बच्चा, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम वे बच्चा अब यहाँ पे आप पहले लिख देते हो, तो पहला सबसे पहला स्टेप जो होगा वो क्या है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे गुड्स सेंट टू एचओ। एच बच्चा हम एचओ को सेंड कर रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं हम, गुड सेंड बाय एचओ। एचओ ने हमने गुड सेंड किया है, तो वो कितना सेंड किया है, तो आप बोलोगे सर देखो उन्होंने 880,000 का गुड सेंड किया है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 880,000। तो लॉजिक बहुत सिंपल है, गुड्स आ रहे हैं इसलिए हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। ये समझ में आया? जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो अब दूसरा स्टेप यहाँ पे एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड लिखेंगे उसके, गुड्स सेंट बाय एचओ, और लिख देंगे डिफरेंस। क्या लिखेंगे बच्चा? डिफरेंस। और डिफरेंस कितना होगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर डिफरेंस बहुत सिंपल है, 880,000 माइनस 704,000, तो वो दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो हम लिखते जाएंगे, तो कितना आ रहा है बच्चा 1,76,000। और ये बच्चा हमारा दूसरा स्टेप भी ख़त्म। अब बच्चा बोलेगा सर अब सीक्वेंस के हिसाब से गुड्स रिटर्न आ रहा है, तो बिजनेस में से गुड्स जा रहा है, वो कितना गुड्स जा रहा है, तो आप बोलोगे सर 44,000 का इनवॉइस प्राइस का गुड्स जा रहा है। तो यहाँ एग्जिट जा रहा है तो क्रेडिट साइड पे, आ रहा है तो डेबिट साइड पे, ये ध्यान में रहेगा। आएगा तो डेबिट साइड पे, जाएगा तो क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय गुड्स रिटर्न, तो यहाँ पे कितना है 44,000, और उसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड पे बच्चा हम क्या लिखेंगे, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ऐसे लिखना है तो लिख सकते हो, और ब्रैकेट में ये डिफरेंस लिखना भूलना नहीं वर्ड, और यहाँ पे भी डिफरेंस तो लिखा ही हुआ है। तो आप बोलोगे सर 44,000 माइनस 32,200 तो क्या आएगा बच्चा 8,800। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 8,800। तो ये पॉइंट भी हमारा हो गया बच्चा। यहाँ तक आपको पूरा पॉइंट समझ में आना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अब लास्ट स्टेप जो बचा है वो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा बच्चा? क्लोजिंग स्टॉक जो है कितना 2,20,000, हो गया 1,76,000। तो आप बोलोगे सर इसका डिफरेंस हम ले लेते हैं, तो वो होगा कितना, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक, और सबसे पहले आप बोलोगे सर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है 2,20,000 है, कितनी बच्चा 2,20,000, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा क्लोजिंग स्टॉक, और ब्रैकेट में आप लिख दोगे कि सर अमाउंट कितनी है, तो डिफरेंस पहले, और डिफरेंस अमाउंट कितनी है बच्चा 44,000। इसके साथ ये सारा ब्रांच अकाउंट मेरा रेडी हो गया जो गुड्स के रिलेटेड एडजस्टमेंट थे। यहाँ तक सबको समझ में आना चाहिए बच्चा, आपको भी ये पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अब दूसरा स्टेप जो ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या इफेक्ट डालनी है वो समझ लें अगर ट्रेडिंग अकाउंट। चलो बच्चा तो अब आगे चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास सब कुछ लिखा हुआ है, हमें खाली समझना है क्या क्या कहाँ पे लिखना है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। अब बच्चा थोड़ा पॉइंट ध्यान रखना, आपने ये वर्किंग नोट लिखी हो तो वो सामने खुली रखना, हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। यहाँ पे लिखने का पॉइंट कैसा है, 4,40,000 माइनस 3,52,000। तो बच्चा आप पहले से ही एक मिनट यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, हमें यही वैल्यू लेनी है, जब डिफरेंस ढूंढना था बात अलग थी, ये हमारा बराबर हाँ ये हमारा क्या है, तो सब कॉस्ट प्राइस ही है, तो हमें यही प्राइस को सीधा डायरेक्टली लिखना है। यहाँ पे कोई इनवॉइस प्राइस या डिफरेंस नहीं लिखना है, हमें सीधा कॉस्ट प्राइस पे लिखना है। जैसे ये ओपनिंग स्टॉक है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में 3,52,000 ही लिखेंगे, तो यहाँ पे वो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में मैं लिखूँगा 3,52,000,
सेम वे बच्चा गुड स्टैंड बाय एच ओ, तो आप ही मुझे बोलोगे अंदर देख के बताओ कितना होगा। 7,04,000 बच्चा। सेम वे रिटर्न कितना है बच्चा? 35,200। एंड क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? 1,76,000। अब बच्चा कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि आपने प्रॉपर पहले लिखा होगा तो आपके लिए बहुत इजी है। देखो आपने नहीं लिखा होगा तो बहुत कंफ्यूजन लगेगा, लंबा लंबा भी लगेगा, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि प्रॉपर नोट्स लिख देना जिससे आपको बहुत आसानी होगी। तो प्रॉपर पहले इतना लिख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो बच्चा तो यहाँ डिफरेंस पहले लिख लेते हैं, 6,68,800 हमारा ये आ जाएगा। इसके साथ बच्चा आप बोल सकते हो कि हमारा पहला स्टेप ख़त्म हो गया। तो आप बोलोगे सर देखो हमने ये वर्किंग नोट प्रॉपर लिख दी हुई है, इसके वजह से ही हमारे लिए इजी होगा, अदरवाइज ये पॉइंट बहुत डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के लिए। और ये स्टेप होते होते अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब हमारा क्या रोल आएगा, तो अब डेटर्स आ रहा है, तो अब डेटर्स दो जगह पे लिखेंगे, पेटी कैश दो जगह लिखेंगे, फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दो जगह लिखेंगे। आप बोलोगे सर कैसे, समझ लो, तो ये सब कुछ आ रहा है वो ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस में आ जाएगा और ये क्लोजिंग बैलेंस में आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलो एक एक चीज़ करते जाते हैं, टेक्स्ट बुक खुला रखना तो आपके लिए ईजी रहेगा। तो डेटर्स में ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो बच्चा बोलेगा सर देखो ओपनिंग बैलेंस हम लिखते जाते हैं डेटर्स में, तो यहाँ पे डेटर्स है तो यहाँ लिखेंगे हम डेटर्स 2,20,000, तो वो हमने ओपनिंग लिख दिया। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर बिल्स रिसीवेबल है, वो भी हमने लिख दिया, वो है ही नहीं, डैश है, मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं है, डैश है। क्वेश्चन मार्क का मतलब हमें ढूंढना होता है, जब डैश का मीनिंग वो होता है कि हमें खुद समझना है कि इसमें कुछ है नहीं। चलो बच्चा तो आगे चलते हैं। उसके बाद आप बोलोगे सर पेटी कैश, तो यहाँ पे हमने लिख दिया पेटी कैश, तो बच्चा बोलो कितना है पेटी कैश, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर पेटी कैश हमारा है 2,200। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर फर्नीचर भी है, तो फर्नीचर भी लिख दिया, तो फर्नीचर है 1,32,000, ये भी हो गया। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, तो ये बच्चा ध्यान में रखना ये बहुत अच्छा है, प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब हमारी असेट हुई तो हमने डेबिट साइड पे ही लिखेंगे, यहाँ पे 2,000 लिख दिए। अब बच्चा आपको पहला काम क्या करना है, ये सब का टोटल करके मुझे अमाउंट बोलनी है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला पॉइंट होता जाएगा और आप सब मेरे साथ में ही करना जिससे आपको क्लैरिटी बहुत आएगी कि एक एक पॉइंट हम लिखते जा रहे हैं। तो हमारा कितना होगा बच्चा, 7,96,200। और इसके साथ बच्चा हमारा ओपनिंग बैलेंस ख़त्म हो गया। अब दो चीज़ है, पहले ओपनिंग बैलेंस हमने लिखा है तो उसके साथ अब ये ब्रांच अकाउंट है इसमें डेबिट साइड पे, तो आप बोलोगे सर क्रेडिट साइड पे भी हमने कैरिड डाउन लिखा था, तो वो अब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डेटर्स पकड़ते हैं, वही सिक्वेंस बच्चा फॉलो करनी है। तो यहाँ पे 1,76,000, यहाँ पे आगे जाएंगे बिल्स रिसीवेबल बच्चा, इस बार तो अमाउंट दी हुई है, इसमें है 66,000। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर पेटी कैश है, तो वो भी हम लिख देंगे पेटी कैश, और थोड़ा प्रॉपर देखिए आपको लिखो, चलो पेटी कैश बच्चा, तो आप बोलोगे सर 1,800 है, तो वो भी हमने लिख दिया 1,800। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे फर्नीचर, और फर्नीचर में अमाउंट नहीं है, वो जो हमें ढूंढना है, कहने का मतलब क्या है बच्चा, फर्नीचर की अमाउंट हमें ढूंढनी है, वो अभी हम नहीं लिखेंगे, बाद में आप लिखोगे प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या लिखोगे बच्चा, प्रीपेड इंश्योरेंस, और अमाउंट हमारे पास रेडी है 3,080। और इसके साथ हम टोटल नहीं करेंगे बच्चा, क्योंकि हमारे पास फर्नीचर की कोई भी चीज़ नहीं है, तो वो ध्यान में रखना है। तो फर्नीचर में वो ध्यान में रखना है सबसे पहले कि कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं है। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। और बच्चा अब हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से आगे एक ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में इसमें कोई बैलेंस का कोई कुछ नहीं आएगा, लेकिन हमने जो अकाउंट्स बनाए उसके अंदर बैलेंस सीडी की बीडी और सीडी लिखना शुरू करेंगे। कहने का मतलब है ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारा डेटर्स का बैलेंस है, तो डेटर्स का बैलेंस आपको दिख रहा है बच्चा 2,20,000, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2,20,000। अब देखो बच्चा फॉर्मेट आपको रेडी होंगे तो कितना ईजिली क्लियर हो जाएगा, और यहाँ पे 1,76,000, तो ये भी हमने लिख दिया।
सेम वे बच्चा बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस 66,000 क्लोजिंग ही है, ओपनिंग में हम लगा देंगे डैश और यहाँ पे लिख देंगे 66,000। देखो बच्चा आपको दिख रहा है ये प्रॉपर, चलो दिख ही रहा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सेम वे बच्चा पीटी कैश का ओपनिंग बैलेंस आप देख लो, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 2200 और यहाँ पे 1800, और इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी ख़त्म। अब शांति से पहले इतना लिख दो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो बच्चा तो अब आगे चलते हैं, अब इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्या आएगा, तो बच्चा आप ध्यान से देखोगे तो हमने सारे बैलेंसेस लिख दिए, एक भी बैलेंस हमने छोड़ा नहीं है। इसके बाद अब बच्चा लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, तो आप बोलोगे सर ये भी हमने लिख दिया है, तो उसमें एक चीज़ लिखी है, बाकी दो चीज़ लिखना बाकी है, फर्नीचर सेंड टू ब्रांच और पेटी कैश सेंड टू ब्रांच। अब बच्चा मुझे एक चीज़ आपको बोलनी पड़ेगी, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन जो होता है वही हम पीएनएल अकाउंट में लिखते हैं, और जब हम बोलेंगे कि सर ब्रांच अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, तो ब्रांच अकाउंट में बच्चा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कितना फर्नीचर सेंड किया है वो हम लिखेंगे। अब बिजनेस में मतलब ब्रांच में फर्नीचर आ रहा है, कितना आ रहा है, 44,000 आ रहा है, डेट पे फोकस करना, जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ना बच्चा तब ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी की कोई बात नहीं है। फर्नीचर सबसे पहले 44,000 का आ रहा है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे फर्नीचर में, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर फर्नीचर सेंट बाय HO, तो आप बोलोगे सर दिख ही नहीं रहा कौन से अकाउंट में लिख रहे हो, तो देखो बच्चा ब्रांच अकाउंट में हम लिख रहे हैं, ब्रांच अकाउंट में हम लिख रहे हैं और डेबिट साइड पे लिख रहा है, क्योंकि हमारे पास फर्नीचर आ रहा है इसलिए हमने वहाँ पे लिखा। ये समझ में आया। दूसरा पॉइंट मैंने पढ़ा था, क्या पॉइंट था बच्चा वो देखो, तो यहाँ पे आपने बोला होगा पेटी कैश सेंड टू ब्रांच, मतलब ब्रांच को कैश पेटी कैश सेंड किया गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेटी कैश सेंड बाय HO, तो हमें कितना पैसा मिला है बच्चा, तो आप बोलोगे सर 3000 मिला हुआ है, कितना मिला है 3000। अब बच्चा यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, ये ब्रांच अकाउंट था, अब यहाँ पे ध्यान रखना। चलो बच्चा तो इसकी इफ़ेक्ट अब कहाँ आएगी वो आपको समझना है, तो सबसे पहले बच्चा पेटी कैश में आपको क्लियर करना है, पेटी कैश में यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, पेटी कैश में आप लिखोगे सर 3000 आएगा, कितना आएगा बच्चा 3000। अब बच्चा ऐसे तो यहाँ देखो तो हम एक और चीज़ ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास चार ही चीज़ फिक्स रहती है, पेटी कैश में फिक्स होता है कि हमारा इतना ही होता है, तो हमने यहाँ पे टोटल किया बच्चा, तो टोटल 5200, सेम वे यहाँ पे बच्चा 5200 आ जाएगा, और बैलेंसिंग फिगर के तौर पे 3400 हमारा पेटी एक्सपेंस हुआ है, तो बच्चा ये कहाँ पे आएगा, तो ये पीएनएल अकाउंट में सबसे पहले हमने डेबिट साइड पे लिख दिया पेटी कैश एक्सपेंस, तो यहाँ पे आप लिखोगे कितना कितना बोला था हमने, तो आप बोलोगे सर ये होगा 3400, तो 3400 हम यहाँ पे लिख देंगे और ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो बच्चा इतना होने के बाद अब हमारा कौन सा पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान में रखना है, अब ये सारा हमने इन्फॉर्मेशन को कवर कर लिया है, अब ये वाला आ रहा है जिसमें हम बोलेंगे ब्रांच एक्सपेंस वेजिस सैलरी रेंट इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस जब पीएनएल अकाउंट में लिखोगे ना तब थोड़ा ध्यान से लिखना, ज़रूरत पड़ेगी तब की बात है। चलो अब यहाँ पे वेजिस से स्टार्ट करते हैं, तो वेजिस आप बोलोगे सर ये कहाँ पे आएगा, पहले यहाँ पे तो हम लिख ही देते हैं, सबसे पहले ये जो भी हमारा है ये सब कुछ ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा, तो यहाँ पे हमने लिखा ब्रांच एक्सपेंस, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे वेजिस, लिखते जाओ बच्चा मेरे साथ, एक्सपेंस में है 15,000, जो है वही एज इट इज लिख देना है। सैलरी बच्चा तो आप बोलोगे सर 4400, सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर सैलरी के बाद क्या आएगा, रेंट एंड टैक्सीज, तो रेंट एंड टैक्सीज 22,000, उसके बाद बच्चा इंश्योरेंस जो है वो हमारा कितना है 5280, और इसके साथ बच्चा हमारा सब कुछ हो जाएगा। तो बच्चा ये चार चीज़ों का हमें टोटल करना पड़ेगा, जो हमारा टोटल कितना आ जाएगा 86,280। तो बच्चा यहाँ पे हमारा ये पहला काम हो गया, ब्रांच एक्सपेंस हमारा हो गया। ब्रांच एक्सपेंस होते ही बच्चा अब आया हमारा ये एक्सपेंस को हम पीएनएल में एडजस्ट करेंगे, तो पीएनएल में कैसे करेंगे वो ध्यान से समझना, पीएनएल और ट्रेडिंग अकाउंट में। तो वेजिस के रिलेटेड तो कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो हमने सीधा वेजिस डेबिट साइड जाके लिख दिया कितना 15,000, ये समझ में आना चाहिए, ये पहला पॉइंट क्लियर है। उस
उसके बाद आप बोलोगे सर सैलरी में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, नीचे आप देख लो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो हमने सैलरी भी एज इट इज़ जो था वो लिख दिया 44,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये भी हो गया। इसके साथ बच्चा तीसरा जो पॉइंट आपको ध्यान में आ रहा है सैलरी के बाद जो है रेंट एंड टैक्सेस, तो हमने वो भी एज इट इज़ लिख दिया, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी पॉइंट हो जाएगा। तो ये हमने रेंट एंड टैक्सेस भी लिख दिया, वो है 22,000। लेकिन बच्चा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपसे गलती होगी, ये वाला पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चा, ये ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया था। क्या दिया था? ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस दिया था। तो वो गलती आपसे होगी जो ध्यान में रखना है। अब मैं जो डायलॉग बोल रहा हूँ वो ध्यान में रखना। करंट ईयर का जो इंश्योरेंस होता है प्रीपेड, कोई भी प्रीपेड करंट ईयर का माइनस होगा और ओपनिंग का प्लस होगा। समझ में आ रहा है? करंट ईयर प्रीपेड जो होगा वो ऑलवेज माइनस होगा और ये प्लस होगा। तो बच्चा हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे देखो, तो जब लिखना होगा तब इंश्योरेंस में सबसे पहला स्टेप यहाँ पे हम लिखेंगे इंश्योरेंस जो हमारा था कितना 5280, और हम लिखेंगे करंट ईयर में आप देखोगे तो हमारा करंट ईयर है 3080। क्या लिखेंगे? प्रीपेड करंट ईयर ब्रैकेट में सी वाई लिख दिया। करंट ईयर मतलब जो अभी हमारा करंट ईयर चल रहा है वो। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर प्रीपेड लिखो और यहाँ पे एल वाई लिख दो। क्या लिखेंगे? एल वाई मीन्स लास्ट ईयर, जो हमारा कितना हो जाएगा बच्चा? तो आप बोलोगे सर ये 2000 हो जाएगा। तो 2000, तो यहाँ पे सबसे पहले ये माइनस करना है और ये प्लस करना है 4200। और इसके साथ बच्चा हमारा ये इंश्योरेंस का पॉइंट भी ख़त्म। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो इंश्योरेंस वाला। समझ में आया तो ही आगे बढ़ना, अदरवाइज़ यहाँ पे पहले एक बार प्रॉपर समझ लेना मैंने जो डायलॉग बोला है वो, तो वो पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद बच्चा अब आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ लिखना बाकी है तो पहले आप लिख लो, तो हम उसके बाद आगे चलते हैं। चलो बच्चा, तो अब आया आगे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसका नाम है कैश सेल्स। लेकिन ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ना वो मेन पॉइंट समझना है कि यहाँ पे बोला हुआ है कि कैश सेल्स जो है वो 40% ऑफ टोटल सेल्स है। तो बच्चा इससे हम कुछ ढूंढ सकते हैं? मुझे टोटल सेल्स ढूंढना है, क्रेडिट सेल्स ढूंढना है और कैश सेल्स ऑलरेडी गिवन है। तो बच्चा मैं ये रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि टोटल सेल्स मेरा 100 है, तब मेरा कैश सेल्स 40 है, तो 60 हमारा क्रेडिट सेल्स है। क्या है बच्चा? क्रेडिट सेल्स। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, टोटल सेल्स मेरा 100 है, उसमें से 40 मेरा कैश सेल्स है, तो 60 मेरा क्रेडिट सेल्स होगा। तो बच्चा बोलेगा सर इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 40 के सामने, तो यहाँ पे अब बच्चा हम लिखना शुरू करेंगे। 40 हमारा क्या है बच्चा? तो 40 हमारा है 5,28,000, तो 60 हमारा क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ये क्रेडिट सेल्स मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चा? क्रेडिट सेल्स। ये आपको ध्यान में रखना है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर कर देना है कि हमारा क्रेडिट सेल्स मिलेगा। तो कितना मिलेगा बच्चा वो बोल दो। 7,92,000 हमारा क्रेडिट सेल्स है। तो ये हमारा पॉइंट होते ही बच्चा अब हम आगे जा सकते हैं। बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास रेडी हो गई। तो आप बोलोगे सर देखो, सबसे पहले ब्रांच अकाउंट में तो यहाँ पे कैश सेल्स है वो आएगा, लेकिन हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश, और उसमें सबसे पहले लिखेंगे कैश सेल्स। ये क्रेडिट साइड पे क्योंकि हमारी इनकम है, कैश सेल्स ऑलरेडी दिया हुआ था 5,28,000। ये पहले समझते हैं, ये हमने ब्रांच अकाउंट में लिखा हुआ है कैश कलेक्टेड जो है वो हम लिखेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। फ्रॉम डेटर्स ये वाली चीज़ आएगी तब की बात है, अभी हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो हमने ये कुछ लिखा नहीं है, खाली कैश सेल्स लिख दिया। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद दूसरे स्टेज में बच्चा अब ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने दो सेल्स अलग अलग लिखे हैं, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 5,28,000 और क्रेडिट सेल्स हमने बच्चा ढूंढ के रखा था वो कितना आया वो बता दो। तो यहाँ पे वो ध्यान में रखना है, यहाँ पे वो तो 7,92,000 और टोटल करोगे तो कितना सेल्स हो जाएगा? 13,20,000 मेरा टोटल सेल्स हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में भी हो गया। अब बच्चा लास्ट स्टेज जो आप बोलोगे सर हर एक जगह हम कुछ ना कुछ इफेक्ट दे रहे हैं, और यहाँ पे आप डेटर्स में बोलोगे क्रेडिट सेल्स, जो आप बोलोगे 7,92,000 हमारा क्रेडिट सेल्स था वो हम लिख देंगे। तो इसके साथ हमारा सेल्स का रिलेटेड जो जो पॉइंट थे वो सारे हमारे आ गए। अब बच्चे यहाँ बहुत कुछ है,
तो ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। एक ही चीज़ में आप डेटर्स और वो ही पॉइंट पे, तो एक एक पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको एक बार दिखा भी देता हूँ मैं कौन सी चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बच्चा आप बोलोगे सर देखो अब सीक्वेंस में जो आ रहा है ना ये है डिस्काउंट अलाउ टू डेटर्स, बैड डेब्ट्स रिटर्न बाय द डेटर्स, डिस्काउंट डिसअलाउ, बैड डेब्ट रिकवर, बिल्स रिसीवेबल एंड डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो बच्चा ये सारी चीज़ डेटर्स के रिलेटेड ही है। तो सबसे पहले डेटर्स अकाउंट में इसकी इफेक्ट डालते हैं और बाद में ट्रेडिंग मतलब पीएनएल अकाउंट और ब्रांच अकाउंट में इसकी इफेक्ट समझ लेंगे। तो देखो सबसे पहले बच्चा यहाँ पे आप बोलोगे हम सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डिस्काउंट अलाउ टू डेटर्स तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर हम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं पीएनएल अकाउंट में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है डिस्काउंट अलाउ टू डेटर्स। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ टू डेटर्स 18,000 है बच्चा, आप एक बार अमाउंट देखते जाना मेरे से आगे पीछे ना हो जाए। उस सेम वे बच्चा हमारा बैड डेब्ट्स है, तो बैड डेब्ट्स भी बच्चा आप बोलोगे सर डेबिट साइड पे आएगा कितना है 4,000। ओके चलो, तो उसके बाद बच्चा और एक्सपेंस जिसका नाम बोला जाएगा यहाँ पे देखना बच्चा पहली बार ऐसा आया हुआ है डिस्काउंट डिसअलाउ बाय द डेटर्स। कहने का मतलब है हमने उसको डिसअलाउ कर दिया, इतना हम अब डिस्काउंट नहीं देंगे। तो बच्चा ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा डिस्काउंट डिसअलाउ, जो कितना हो जाएगा बच्चा तो डिसअलाउ हो जाएगा 4,000 है ना बच्चा, हाँ 4,000 ही। चलो तो वो भी हमने लिख दिया। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर अब दूसरा पॉइंट कल भी आया था जो है बैड डेब्ट रिकवर। आपको पता है बैड डेब्ट रिकवर यहाँ पे आएगा, बैड डेब्ट रिकवर जो अमाउंट कितनी है 7,000। अब बच्चा मैं भूल जाऊँ या आप भूल जाओ उससे पहले वो अमाउंट हम यहाँ पे भी लिख देंगे जो हमारे ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड होता है। तो बैड डेब्ट रिकवर ये जल्दी जल्दी में हम लिखते हैं तो भूल जाते हैं, आपको भी वो भूलना नहीं है, वो है 7,000। कितना है बच्चा 7,000, तो वो ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था बैड डेब्ट रिकवर कभी भी डेटर्स अकाउंट में नहीं आता, वो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा अब आएगा आगे बिल्स रिसीवेबल रिसीव फ्रॉम डेटर्स। तो यहाँ पे देखो वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो बाद में यहाँ कुछ नहीं आएगा, और डिस्ट्रॉय बाय फायर वो बाद में देख लेंगे। तो अब बच्चा वही चीज़ मुझे डेटर्स में लिखना पड़ेगा फिर से। तो डेटर्स में फिर से मैं शुरू कर रहा हूँ डिस्काउंट अलाउ टू डेटर्स। तो डिस्काउंट अलाउ तो यहाँ पे पहले मैं 18,000। सेम वे बच्चा गुड्स रिटर्न बाय द डेटर्स कहीं चलो लखीन दे बाजू। तो गुड्स रिटर्न बाय द डेटर्स, तो बच्चा आप बोलोगे सर आगे आपने लिखना रह गया है, तो कोई बात नहीं बच्चा अब लिख देते हैं। तो यहाँ पे ऑलवेज मैंने बोला था रिटर्न जो था वो 13,000 कितना था 210% डिस्काउंट हमने मतलब इनडायरेक्टली रिटर्न हुआ है, वो माइनस करके हम बाद में देख लेंगे। तो वो याद रखना है सेल्स रिटर्न जो है वो माइनस होगा, तो वो हमें लिखना है। तो कितना होगा बच्चा चलो आप कर ही रहे हो तो बोल दो 13,06,800। और इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी आ जाएगा। अब बच्चा ये वापस हम वहाँ यहाँ डेटर्स अकाउंट में आ जाते हैं जहाँ पे आप बोलोगे सर डिस्काउंट डिसअलाउ हुआ है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया डिस्काउंट डिसअलाउ जो कितना है बच्चा, तो डिस्काउंट डिसअलाउ आप बोलोगे सर 4,000 है। और ये ध्यान में रखना हमने डेबिट साइड पे लिखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बैड डेब्ट रिकवर यहाँ कभी नहीं आता। और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बिल्स रिसीवेबल रिसीव फ्रॉम द डेटर्स जो हमारा है 1,40,000 कितना बच्चा 1,40,000। और उसकी दूसरी इफेक्ट अब ध्यान में रखना यहाँ पे आ जाएगा 1,40,000। अब ये बच्चा आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो मिसिंग फिगर है बैड डेब्ट्स। और बच्चा लास्ट पॉइंट जो है वो डेट आपको बैड डेब्ट्स लिख देना है। बैड डेब्ट्स होते ही बच्चा हमारा सारा एंट्री बेसिकली आप देखोगे ना तो हो जाएगा, खाली इंटरेस्ट चार्ज इस बार हमें नहीं दिया गया है। तो इसके बाद बच्चा आप बोल सकते हो कि मेजोरिटी सारी एंट्री हो गई है, चेक कर ली हमने। तो अब इसके बाद बच्चा आप टोटल कर सकते हैं। और हमें क्या मिलेगा बैलेंसिंग फिगर पे, तो बच्चा वो आप बोलोगे सर हमें मिलेगा कि कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना है वो हमें मिल जाएगा। तो बच्चा आप कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के लिए अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी चेक कर लेते हैं, कलेक्शन फ्रॉम द डेटर्स इतना आना चाहिए हमारा, आ रहा है वो 6,00,000, तो ही हम आगे बढ़ेंगे। पहले टोटल डेबिट साइड का बोल देना बच्चा 10,60,000 ओके 10,16,000।
और यहाँ पे बच्चा आप बोलोगे 10,16,000 और इसमें से माइनस करके ये अमाउंट आती है तो ही हमारा आंसर सही है, ऐसा बोला जाए। हाँ, जो टैली हो रहा है तो बच्चा ये अमाउंट को हमें यहाँ डालना है, तो 6,64,800, तो ये हमारी अमाउंट आ गई। ये क्या मिला बच्चा? तो आप बोलोगे सर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। क्या मिला बच्चा? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अब बच्चा जो मुझे आपको बोलना है वो पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मेट आता होगा तो ही ये वैल्यू आ सकती है, अदरवाइज ये वैल्यू तो आप ढूंढते रह जाओगे, ऐसा आ जाएगा। तो बच्चा आप बोलोगे सर ये कहाँ लिखेंगे? तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कलेक्शन फ्रॉम डेटर 6 लाख, कितना बोला था बच्चा आपने? 64,800, और ये हमारे ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बच्चा ये अमाउंट आ जाएगी। और इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी ख़त्म। तो बच्चा यहाँ पे ऐसे देखो तो सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन लास्ट में आप देखोगे बच्चा तो हमारा एक अकाउंट बाकी है जिसका नाम क्या है, तो बिल्स रिसीवेबल, और उसमें भी मिसिंग फिगर तो ढूंढनी पड़ेगी ना बच्चा। तो सबसे पहले हम इसका टोटल करते हैं, तो यहाँ पे 1,40,000, और सेम वे बच्चा आप बोलोगे यहाँ पे भी लिखो 1,40,000। 74,000 हमें क्या मिला है? तो पैसे मिले हैं, जहाँ पे बच्चा ये आंसर में भी आ गया, टैली हो गया 74,000, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसमें भी फॉर्मेट ध्यान में रखना है। 74,000 और 1,40,000 और 66 कैसे आया वो हमने तीनों अलग अलग कलर से समझा दिया है बच्चा आपको। अब बच्चा यहाँ पे ये जो ध्यान में रखना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैश रिसीव फ्रॉम BR, और बच्चा ध्यान में रखना कितना लिखना है, 74,000। अब आप टोटल कर सकते हो जो आप प्रॉपर करते जाओ, तो कितना? 12,73,800, और इसके साथ बच्चा हमारा ये काम भी ख़त्म। अब बच्चा ध्यान से देखोगे ना तो हमारे पास एक चीज़ बाकी है जिसका नाम है गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर इनवॉइस प्राइस 10,000, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट द फुल क्लेम, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी बोला हुआ है। तो दो चीज़ हमें करते जाना है। तो चलो बच्चा अब एक एक चीज़ को पहले समझते जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है और क्या हम कर सकते हैं? तो सबसे पहले बच्चा आप बोलोगे सर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास इतना फर्नीचर था, है ये पॉइंट क्लियर? फर्नीचर इतना था, तो अब एक एक चीज़ हम लिखते जाते हैं तो ही आपके लिए इजी रहेगा ये साइड। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना था, तो यहाँ पे लिखा ओपनिंग बैलेंस जो हमारा था वो फर्नीचर का, वो आप बोलोगे सर यहाँ पे 1,32,000। इसके बाद बच्चा ऐसा भी बोला गया था और फर्नीचर आया था, लेकिन डेट के साथ लिखा था कि सर फर्नीचर हमने भेजा है 1,72,016 को 44,000 का, तो ये भी हमने लिख दिया एडिशन फर्नीचर, एडिशनल फर्नीचर। जो वन डेट जो हमारी थी वो क्या थी? तो आप बोलोगे सर डेट जो हमारी थी 1,72,016 और वो था 44,000। अब बच्चा कहानी में ट्विस्ट आपको भी पता है, जो फर्नीचर जो आया था वो हमारा क्या हुआ, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है, तो वो हमें बाद में देखना है। फर्नीचर का एडजस्टमेंट हम पहले क्लियर कर देते हैं। अब बच्चा यहाँ पे ध्यान बहुत सिंपल रखना है, हमारे पास दो डेट दी हुई है, तो सबसे पहले बच्चा यहाँ पे दिया हुआ है हमारा ईयर एंडिंग 31st December 2012 है। कौन सा है बच्चा? 31st December 2012, तो यहाँ पे मैंने लिखा 31st December 2016, आप बोलोगे 16, तो इसमें फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज लगेगा, और इसमें कितना हो जाएगा 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो आप बोलोगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। तो बच्चा देखो अब मैं लिखते जाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे कितना परसेंटेज बोला हुआ है, तो 10%, इसका 10% करेंगे, और यहाँ पे आप बोलोगे 10% इंटू 6/12। क्यों 6/12? वो बच्चा आपको क्लियर होना चाहिए, ये पॉइंट क्लियर है कैसे, क्योंकि हमने जब वो हमें सेंड किया गया था ये डेट पे, और हमारा ईयर एंडिंग डेट है 31st 12 2016, तो बाकी के 6 महीने ही हमने यूज़ किए, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। कौन से 6 मंथ? तो मैंने वो भी लिख दिया बच्चा, आपको वो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। पहले मैं तो 13,200 मुझे देख के ही पता चल गया, दूसरे वाले में 2,200। अब बच्चा गेम यहाँ पे ध्यान रखना है, थोड़ी गलती आपसे हो सकती है, तो पहले टोटल कर दो, तो कितना हो जाएगा 1,00,000 हो जाएगा 72,000, ये हो जाएगा बच्चा सही है 1,76,000।
ओके 76 सही बात है, 76,000 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे बच्चा आप बोलोगे सर कितना हो जाएगा 15,500 सही है बच्चा, 400 सर एक थोड़े 100 रुपये खा जाते कहीं पे भी, चलो सम बहुत लंबा हो गया अभी ऐसे भी। चलो देखो तो बच्चा यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है कॉस्ट कितनी थी 1,76,000। अब देखो इसमें से माइनस करके पहले तो अमाउंट बोल दो जिसको हम नेट बुक वैल्यू बोलते हैं, तो कितनी हो जाएगी 1,16,600। ओके तो ये चीज़ जो आएगी वो आप बोलोगे सर हमने फर्नीचर में ब्रांच अकाउंट की जगह छोड़ दी थी, याद है आपको बच्चा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1,60,600। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा, वो ध्यान में रखना है। और दूसरा पॉइंट बच्चा हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज कितना किया हुआ है, तो आप बोलोगे 15,400 सर, तो वही हमारा पीएनएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन, हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 15,400 और इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी आ जाएगा। चलो बच्चा तो सबसे पहले यहाँ पे हम आगे चलते हैं, लास्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो बाकी है, वो है हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहा है तो सबसे पहले कितने का गुड्स था, तो बच्चा बोलेगा 10,000। तो बच्चा यहाँ ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, कौन सी प्राइस है, तो कभी भी इंश्योरेंस कंपनी आपके गुड्स के इनवॉइस प्राइस पे पैसे नहीं देगी, कितने प्राइस पे देगी, ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे। तो बच्चा बोलेगा सर हमने ये कैलकुलेशन किया था, तो सेम वे एक कैलकुलेशन और करना पड़ेगा जहाँ पे हम बोलेंगे इंश्योरेंस कंपनी कितना है बच्चा, तो आप बोलोगे सर 10,000 का गुड्स था इनटू 100 डिवाइड बाय 125, तो करोगे तो 8,000 आ जाएगा, आ गया बच्चा। तो अभी 8,000 इंश्योरेंस कंपनी हमारे से इनडायरेक्टली हम इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कर रहे हैं और 100% रिसीव हो गया। तो यहाँ पे बच्चा आप देखो कोई भी लॉस नहीं हुआ, ये समझ में आया, आपने 8,000 का क्लेम रखा इंश्योरेंस कंपनी में, एक्सेप्ट कर दिया, बात खत्म हो गई, हमारा एक रुपये का भी लॉस नहीं आया। तो अब बच्चा कैसे करना है वो देखो, तो सबसे पहले बच्चा यहाँ पे हम इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय इंश्योरेंस कंपनी कितना 8,000। और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है बच्चा ये जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वहाँ पे आ जाएगा, ऐसे तो परचेज में से माइनस करते हैं लेकिन यहाँ परचेज है नहीं तो हमने यहाँ पे लिखा इंश्योरेंस कंपनी जो हमारा 8,000 हो जाएगा। ऐसे देखो तो हम इसमें से भी माइनस करते हैं गुड्स सेंड बाय एचओ और उसमें से भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन हम यहाँ पे कर रहे हैं ऐसे तो भी चलेगा। चलो बच्चा तो अब इसके साथ हमारा सब कुछ ख़त्म, पहले तो हमें टोटल करना पड़ेगा, ये थोड़ा कम बस इतना ही हो रहा है, चलो पहले टोटल कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चा 6,27,480 और इसके साथ हमारा ये टोटल भी आ जाएगा। तो बच्चा आप टोटल करना स्टार्ट करना पड़ेगा, चलो बच्चा तो टोटल स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लास्ट टोटल थोड़ा स्पीड से कर लेंगे हम, तो हमारा टोटल कितना आ रहा है बच्चा 22,17,280। फिर से एक बार 22,17,280 ये हमारा टोटल है, कोई बच्चे को इसमें डाउट ना रहना चाहिए, ये पॉइंट बहुत सिंपल है, ये हमने यहाँ लिखा 280 और यहाँ पे आप बोलोगे सर हमारा प्रॉफिट जो ब्रांच प्रॉफिट है कितना है बच्चा 55,000 हमारा ब्रांच प्रॉफिट है जो हमारा टैली होगा पीएनएल अकाउंट से। तो हमें पीएनएल अकाउंट का प्रॉफिट ऑलरेडी पता है कितना होगा बच्चा, तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ आपको समझने के लिए, यहाँ पे जो हमारा नेट प्रॉफिट वर्ड यूज़ होता है 3,55,000 होना चाहिए, हुआ नहीं है वो हम टैली करेंगे। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ से टोटल करते हैं, जो ग्रॉस प्रॉफिट का वर्ड यूज़ करते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट में यहाँ सबसे पहले बच्चा क्या होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, सबसे पहले मतलब टोटल आप बोलोगे ट्रेडिंग 14,19,890। तो बच्चा यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है, ये पॉइंट गलती नहीं होनी चाहिए, 90,800 14,19,800 और जिसको आप बोलोगे ग्रॉस प्रॉफिट और कितना आ जाएगा 4,55,000 सीधा यहाँ आएगा 4,55,000 और यहाँ पे हम बोलेंगे उसको बाय आप बोलोगे ग्रॉस प्रॉफिट, क्या बोलोगे बच्चा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पीएनएल अकाउंट और इसका टोटल करते हैं बच्चा, तो कितना
466,000। और बच्चा ये माइनस कर लो, मैंने चेक कर लिया है, जो हमारा आंसर आ रहा है 466,000 और आपका आंसर ये टैली हो जाएगा। अब कोई बच्चा कमेंट में वो मत लिखना कि यहाँ पे टैली नहीं हो रहा, मैंने प्रॉपर चेक किया हुआ है, आपकी फिगर चेक कर लेना कोई जगह रह जाती है तो। इसके साथ बच्चा हमारा पूरा सम खत्म हो गया, तो प्रॉपर आपने देखा होगा तो क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए।